मित्रों नमस्कार। आज हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इस अभियान में आप किस तरीके से अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा करेंगे। दरअसल प्रदेश में ऊर्जा की बचत के लिए और ऊर्जा के समुचित उपयोग के लिए, ऊर्जा के संबंध में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में फर्स्ट फेज में स्कूली विद्यार्थियों और कॉलेज के छात्रों को शामिल करने के साथ साथ इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। दरअसल आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 23 मई 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय से इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र यहाँ पर जारी हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस पत्र में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि वर्तमान परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो रहे हैं। इन दो चार शब्दों में बहुत सारी बातें, बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है, आप जानते ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, जिससे संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व परेशान है, उसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए हम पूर्व तैयारी के तौर पर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आतिथ्य में मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 23 मई 2021 को आरंभ किया गया। इसके तहत तो स्कूली छात्र छात्राओं को और इसके संरक्षण के बारे में अवगत कराया जाएगा और कॉलेज के छात्रों को भी शामिल करने के साथ साथ इसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इसमें हमारे विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान से जोड़ने के लिए हमें अपने विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को प्रोत्साहित करना है और इसमें उन्हें पुरस्कृत करने का प्रावधान भी रखा गया है और साथ में एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटीज में उन्हें ग्रेड देने के लिए भी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। तो इस अभियान से जुड़ना बहुत ही आसान है। तो आज के इस वीडियो में आइए हम सीखते हैं कि ऊर्जा मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान के बारे में हम कैसे जुड़े। इसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक पोर्टल डेवलप किया गया है, usa.mp.gov.in, और एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है जिसमें आप बहुत ही आसान, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आप इसमें से इस अभियान से जुड़ सकते हैं। और इस अभियान के उद्देश्य, इस अभियान के बारे में, इस अभियान के लाभ, इस संपूर्ण के बारे में इस पोर्टल में, वेबसाइट में सब कुछ दिया हुआ है, उसका आप अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए इस अभियान में किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम सीख लेते हैं। इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आपको किसी भी नेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आप या तो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके सर्च बॉक्स में आपको सिंपली टाइप करना है usa.mp.gov.in। पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा की वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ बस आपको ध्यान रखना है, मैं सिर्फ इसमें किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसको शॉर्ट में पहले बता रहा हूँ। हाँ, एक बात और रिपीट करूंगा, इस अभियान से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है, मोबाइल नंबर आवश्यक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार बात यह है कि एक मोबाइल नंबर से 5 लोग जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है कि उसमें ओटीपी आता है, और ओटीपी इसलिए आता है कि उसमें से आपकी एक पहचान सुनिश्चित हो सके। तो इस अभियान से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन में सबसे दाई ओर टॉप में ये जो टैब कैप्सूल टाइप का बना हुआ है, अभियान से जुड़ें, इसमें आपको क्लिक करना है। अभियान से जुड़ें पर क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर दो पार्ट में आप देख पा रहे हैं, एक है आपका नया पंजीयन करें
और दूसरा है सबमिट करें। सबमिट करें का यूज तब करेंगे जब आपने पूरा पंजीयन कर लिया है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका यूजर आईडी एवं पासवर्ड दोनों ही आपके मोबाइल नंबर काम करेंगे। अर्थात फिर रिपीट करूंगा, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना होगा। और फिर रिपीट करूंगा कि एक मोबाइल नंबर से 5 लोग जुड़ सकते हैं। तो आइए एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि हम नया पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए नया पंजीयन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म परिलक्षित होगा। यहाँ पर वांछित जानकारी आप भर दीजिए। कैसा क्या भरना है इसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ है। तो यहां पर समस्त वांछित जानकारी आप फिलअप कर दीजिए। ये आपका सर्टिफिकेट में ये सब मेंशन होगा, इसलिए जितना सही और क्लियर जानकारी भरेंगे उतना अच्छा होगा। शहरी क्षेत्र चुनने पर आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, जहां से ऑटोमेटिक आप अपने शहरी क्षेत्र का नाम चूज कर सकते हैं। लोकल बॉडी में आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, जहाँ से आप अपने लोकल बॉडी अर्थात लगभग यहाँ तहसील रहता है और शहर, उसको आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से वर्ल्ड भी आप चूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको अपडेट कर दिया गया है उषा पोर्टल पर। तो अगर आप शहर में निवास करते हैं तो आपका नगर निगम का निश्चित रूप से वार्ड भी होगा, आप अपना वार्ड भी इसमें मेंशन कर सकते। इतना करने के पश्चात यहाँ पर आपको ऊषा के बारे में कहाँ से पता चला, तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से जहां से भी आपको पता चला हो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर आप सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा इंटर करके सबमिट पर क्लिक करें। संपूर्ण जानकारी को एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिए, और अगर आपकी संपूर्ण जानकारी ये सही है तो अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात अगली स्क्रीन ये आपके सामने होगी। यहाँ पर आपको ये मैसेज दिख रहा है कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन टू वेरीफाई विथ रजिस्टर्ड मोबाइल। इस बॉक्स में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसमें से रजिस्ट्रेशन आपने किया है बस उसे फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात तुरंत आपके इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहां पर फिल अप कर दें। ओटीपी यहां फिल करने के पश्चात दर्ज करें पर क्लिक कीजिए। दर्ज करें पर क्लिक करने के पश्चात आप कुछ ही सेकंड में सफलतापूर्वक एमपी ऊर्जा साक्षरता अभियान के ऊषा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। ये लॉगिन विंडो आपके सामने होगी, जहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। यहाँ यूजर नेम में आपको चूज कर लेना है। ऑटोमेटिक आपको भरना भी नहीं है, यूजर नेम आपका उस मोबाइल नंबर के थ्रू जो यूजर नेम ऑटोमेटिक रजिस्टर हो गया है जिस नाम से, उसको आपको चूज कर लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये स्क्रीन आपके सामने होगी, और अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करें, एलएमएस पर जाएं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात आपको जो भी काम करना है वो डैशबोर्ड पर यहाँ आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जिस तरीके से दीक्षा पोर्टल पर अलग अलग मॉड्यूल हैं आप पूरा करते हो वीडियो देख के, प्रश्नों का उत्तर दे करके, उसी प्रकार से यहाँ पर डिफरेंट आपके मॉड्यूल्स हैं, पूरा आपका पाठ्यक्रम है, और उस पाठ्यक्रम की जो सूची है वो आपको यहाँ पर सब दिखाई पड़ेगी। अब इन पाठ्यक्रमों को आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के पश्चात अलग अलग मॉड्यूल जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता जाएगा। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर पहुंचिए साइट होम। यहाँ पहुंचने के पश्चात आपका ये उपलब्ध पाठ्यक्रम आपका यहाँ पर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बाई ओर लिखा हुआ है हिंदी में और दाई ओर लिखा हुआ है अंग्रेजी में। जिस भाषा में आप पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहते हैं वो भाषा को आप एक्सेस कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ बाई ओर,
तो आप अपने पाठ्यक्रम पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये मॉड्यूल जीरो है, प्रशिक्षण के लिए आपको सब कुछ यहाँ पर सब लिखा हुआ है, एक एक चीज इसमें सब क्लियर है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, किस मॉड्यूल से किस मॉड्यूल तक आपको कंप्लीट करना है। और मैं आपको बताऊं मित्रों, इन समस्त मॉड्यूल्स में इतनी प्यारी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी है कि अगर आप इन सारे मॉड्यूल्स को आप पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप संपूर्ण रूप से ऊर्जा बचत के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे और 100% आप ऊर्जा साक्षर हो जाएंगे। ऊर्जा साक्षरता का सीधा मतलब ही है कि ऊर्जा के प्रति आप में एक जबरदस्त अवेयरनेस है और भविष्य में आप किस तरीके से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और संभावित खतरों से आप अपने प्रदेश के साथ साथ पूरी दुनिया को आप इससे मुक्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप ये पाठ्यक्रम कंप्लीट करिए, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने बताया उसको पूरा करिए। अगले वीडियो में इन पाठ्यक्रम से संबंधित और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, ऊर्जा साक्षरता अभियान क्या है आदि जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर रजिस्ट्रेशन आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ये जानकारियाँ इस प्रकार से जो आपके लिए उपयोगी हैं वो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।